So you are given with this is called one. Wait. बी वाली क्या है? Next middle, write down. A contains
कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड एज अ प्लेजेंट ऑर्डर. With boiling point of 78 degrees Celsius. On boiling a with concentrated sulfuric acid, a colorless gas is produced which decolorize bromine water and alkaline KNO4. The organic liquid A is हाँ जी. ऑप्शन ए क्यों? ऑर्डर थोड़ी ना बोला, प्लेजेंट ऑर्डर बोला. और वैसे भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सी और इससे क्या बनेगा अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे? और वो जो बन रहा है वो डीकलराइज कर रहा है बेटे ब्रोमीन वाटर को एल्केलाइन के MnO4 का. हाँ जी. इसमें डबल बॉन्ड होगा. इसका आंसर इथेनॉल होगा. देखो इथेनॉल उसका प्रेजेंट ऑर्डर तो होता ही है और बॉइलिंग पॉइंट भी 78 है. जब आप कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करोगे तो आपको एल्कीन मिल जाएगी, इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी. जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी जो एल्कीन मिली है वो ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज की और अल्केलाइन गया मैंने बोल. तो आंसर विल बी सी. ठीक है नेक्स्ट.
हाँ जी, क्या हो सकता है विदाउट ऑप्शन? अगर यही कंप्लीट द रिएक्शन आ जाए तो कैसे करोगे? क्या अल्कोहल ही क्यों एच क्या करता? एक एक्वस क्यों है जो आपने करा हुआ है, एक अल्कोहलिक अल्कोहलिक क्यों है जो हेलो एल्केन की कौन सी रिएक्शन करवाता है? एलिमिनेशन। एल्कीन एचपीआर पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में है। एंटी मार्कोनी को ऑफर लगेगा। और ये विलियम्स सिंथेसिस है, सब्स्टिट्यूशन है। अब तो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। नॉट वाई वाई अकेला वाई फाइनल प्रोडक्ट।
कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट, एक्स अपने आप निकालो फिर वाई निकालो। जिंक की ब्रेदर में डिस्टिलेशन करवाते हो। चलो एक और चीज आ रही, मैं मेंशन कर देती हूँ डिस्टिलेशन। नहीं, किसी को नहीं आता। फिनॉल में जब जिंक डालते हो बेटे, ये बेंजीन बन जाती है। और बेंजीन में जब ये होगी फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, तो आपका पास क्या बना, एसिडोफिनोल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्राइमरी एल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन क्या देता है? एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल अंडर सेम कंडीशन देता है कीटोन, और एल्कीन कौन देता है?
आंसर नहीं है। अरे अब फिनॉल को एसिडिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनाता है और वीक एसिड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनाता है। हिंट मैंने दे दिया, करो जल्दी हरी आप। इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? सेकंड सेकंड वाला क्या है? सबसे ज्यादा है कि कम है? सबसे ज्यादा। देन क्यों? फोर्थ बिल्कुल ठीक बोला। मेटा पे माइनस आई तो लगता ही है, माइनस आर नहीं लग रहा। पैरा पे माइनस आर माइनस आई दोनों लग रहे हैं। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट नेक्स्ट किसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है? पहले सोचो, अगर जिसके पास ऑक्सीजन है और ऐसा बन रहा है जिसके पास टू ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन रहा है? ऐसे। अब एसिड, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले थे उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम बाद में बन रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। ये रह गए ये तीन, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कीटोन बनेगा, और कीटोन अगर फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो पॉप-अप रूल से टूट जाएगा, तो तीन कार्बन वाला एसिड ये नहीं देगा। कि अगर देगा भी तो दो कार्बन वाला और एक कार्बन वाला एसिड देगा, मतलब वन इज इथेनॉइक एंड अदर वन इज मिथेनॉइक। तो इन दोनों को तो हमने कर दिया निग्लेक्ट। अब इन दोनों की बारी आ गई। फॉर्मूला देखो, क्योंकि यहाँ पे C3H8 नहीं है,
एल्डिहाइड में देयर आर नो हाइड्रोजन एट, एल्कोहल में देयर आर एट हाइड्रोजन। ठीक है, बी बी है, राइट है। एल्को आपने क्या बोला, सी? तो रॉन्ग है। बेटे कार्बन देखो, एल्कीन के पास कार्बन चार है, यहाँ पे चार है। तो ये एल्कीन जो बन रहा है, इसका C4H8 है। अगर आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते तो कार्बन तो नहीं कम होते। तो अगर ये आपको मेंशन है, इसका मतलब कोई चार कार्बन वाला अल्कोहल है, या तो ये है या तो ये है।
ये भी हो सकता था। पर ये नहीं हो सकता कभी भी।